अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं अपनी वार्डरोब क्लीन करने लगी थी, देखिए कितना ज़्यादा मैस हुआ हुआ है। तो ये मेरी मेकअप कलेक्शन है, थोड़ी सी है बस, गुजारे लायक कह सकते हैं। देखने वालों ने कहना है बहुत ज़्यादा, फिर भी मैं कहूँगी कि मेरे लिए कम है, क्योंकि जो मेकअप लवर्स होते हैं ना, उनके लिए ये चीज़ें बहुत कम हो जाती हैं। और मुझे मेकअप का बहुत ज़्यादा शौक़ है, मेरा बस चले ना तो मैं पूरी की पूरी शॉप ले लूँ। तो ये वैनिटी है, ये मुझे मेरे बाबा ने लेके दी थी, तो मैं ना इसमें मतलब के क्लीन करके ना इसी में रखने लगी थी, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा वार्डरोब में होने लग गया ना कि फिर मुझे अच्छा ही नहीं लगता, फिर काफ़ी मैस हो जाता है। इस वजह से मैं सारी चीज़ें उठा के वैनिटी में रखने लगी हूँ। और इसमें से कुछ ये बड़ी बिग पैलेट पड़ी हुई है, ये तो इसमें कभी भी नहीं आए। तो सबसे पहले ये मैं पैलेट्स उठा के इनको रखने लगी हूँ, क्योंकि वैनिटी में सबसे पहले यही रखी जाती हैं, क्योंकि उसके बाद बाकी सारा सामान रखेंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि मैं वीडियोज़ कैसे बना रही हूँ। इसमें मेरी कुछ किट्स ऐसी हैं जो कि मेरी बहुत पुरानी हैं, और ये फॉइल पेपर मैंने रखा था, ये हेयर स्टाइल के लिए ज़्यादा यूज़ होता है। तो उसके अलावा ये सारा मेकअप मैंने इसमें एडजस्ट करना है, तो मेरे साथ बने रहिएगा और देखिएगा कि मैं किस तरह से एडजस्ट करती हूँ। तो हर मेकअप को एडजस्ट करने की भी एक टेक्निक होती है, और कोशिश किया करें कि ना मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएं। आप लोगों को पता है मेरे तो अभी 100 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट नहीं हुए, तो मैं फुल कोशिश कर रही हूँ कि मेरे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हो जाएं और मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए। तो इसके लिए मैंने बहुत मेहनत की है और मैं बहुत ज़्यादा अभी भी कर रही हूँ, और वो सिर्फ इसी उम्मीद पर है कि मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा और मुझे भी पेमेंट शेमेंट मिला करेगी। पेमेंट का शौक किसे नहीं होता, मुझे तो वैसे ही बहुत ज़्यादा है कि चले मेरे घर की थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी मेरी, चले ज़्यादा नहीं तो मैं अपना ख़र्चा उसमें से निकाल लिया करूँगी। मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। कल जो मेरी वीडियो आने वाली है वो है रेसिपी, तो वो भी काफ़ी अच्छी वीडियो है, तो उस पर भी ज़रूर देखिएगा उसको और लाइक कीजिएगा। और पता नहीं क्यों मेरी वीडियोज़ पर 300 पर व्यूज़ जा ही नहीं रहे, अगर व्यूज़ आते भी हैं तो जो देखते हैं वो मेरी वीडियोस को लाइक करते ही नहीं हैं। पता नहीं ऐसा क्यों करते हैं लोग, अगर देखने के बाद अगर एक लाइक कर दें तो चले हमारा फ़ायदा हो जाएगा, जो हम वीडियोस बनाते हैं चलो उसके ज़रिए ही हमें एक लाइक कर दिया करें, ताकि हमें थोड़ा बहुत तो फ़ायदा हो आपके लाइक से। बट यहाँ की जो ज़्यादातर लोग हैं, मैं कहती हूँ कि लाइक करना पसंद करते ही नहीं हैं, उन्हें अच्छा लगता ही नहीं है कि कोई वीडियो बना रहा है तो क्यों बना रहा है, देख लेते हैं कि आखिर इस वीडियो में क्या है, बट उसको लाइक करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। तो आप मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा देखा करें, शेयर किया करें, और हो सके तो मेरे लिंक को, मेरी यूट्यूब का लिंक जो है अपने स्टेटस पे, व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाया करें, ताकि चले मेरा थोड़ा सा फ़ायदा हो जाए। मैं रोज़ उठ के सबसे पहले अपना एक सब्सक्राइबर देखती होती हूँ कि कितने लोगों ने मुझे फॉलो किया है, तो ये बेस है, ये भी काफ़ी अच्छी बेस है, बट ये मेरे स्किन के साथ मैच नहीं हुई। ये मुझे आई थी मेरे ससुराल की तरफ से, लेकिन मैंने इसको एक दफ़ा भी यूज़ नहीं किया, क्योंकि मेरी स्किन के साथ जा ही नहीं रही, तो मैं यूज़ कर ही नहीं सकती। और ये ग्लिटर्स जो मैंने अभी दिखाए हैं, ये भी काफ़ी अच्छे हैं, पिगमेंटेड हैं और आईज़ पे लगे हुए काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो ब्रशेज़ वगैरह मैंने सारे एक बॉक्स में रख के, बाकी हाईलाइटर कंसीलर वगैरह ये चीज़ें रख दी हैं, ब्रशेज़ वगैरह और बेस वगैरह किट्स वगैरह मैंने नीचे भी रख दी हैं, और ये स्टिक्स वगैरह हैं तो ये भी मैंने इसी में रख दी हैं। और ये नेल पॉलिश मैं कहती हूँ जितनी मर्ज़ी ले लो, तो ये तो ख़राब होने वाली ही चीज़ है, और ये मैं कहती हूँ काफ़ी जल्दी ख़राब हो जाती है। मैं और वैसे भी मैं एक ब्यूटिशियन हूँ, तो मेरे पास जितना भी सामान होता है कम होता है, मुझे मेकअप का सामान बहुत ज़्यादा पसंद है। ब्यूटिशियन होने के साथ साथ मैं एक टीचर भी हूँ, तो मेरा ज़्यादातर टाइम स्कूल में गुजरता है, और मैं घर आके वीडियोज़ बनाती हूँ, उसके अलावा खाना बनाना सारा कुछ करना होता है, फिर भी मैं कोशिश करके यूट्यूब के लिए टाइम निकालती हूँ। तो आप लोग भी कोशिश किया करें, देखें अभी भी इतना मैं,
अभी भी देखें इतना मेस पड़ा है, तो मैं काफ़ी थक गई थी। तो ये मेरे ज्वेलरी बॉक्सेस पड़े हैं और उसके अलावा कवर पड़ा है, ये मेरी चीज़ें थोड़ी बहुत पड़ी हैं, इसको मैं बाद में उठाऊंगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।